मैं ज्योति कुमारी, पिता श्री कृष्ण मोदी। मैं अभी घर से भागी हुई हूँ और अभी जहाँ पर भी हूँ सेफ हूँ। घर से भागने का रीजन यह है कि मैं एक मुस्लिम लड़का से प्यार करती हूँ जिसका नाम अजहर तनवीर है, और मेरे पापा को लगभग 18 महीने पहले ये बात का पता चला था, और तब से आए दिन किसी न किसी वजह से और किसी न किसी कारण से मेरे साथ मारपीट होता रहता था। फिर मैं एक दिन 21 सितंबर को भी घर से निकली थी, क्योंकि उसका रीजन भी यही था कि मेरे पापा मेरे साथ मारपीट कर रहे थे और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे कि अगर तुम 2-3 दिन मेरे साथ और रहेगी तो हम तुमको मार के कहीं फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं अपने जान बचा करके अपने घर से निकल के अपने फ्रेंड के यहाँ पे थी। फिर सुबह 22 सितंबर 2020 को जब मैं महिला थाना गई तो महिला थाने में भी मुझे बहुत गंदी गंदी बातें सुनने को मिला, और वो लोगों ने मुझे जानबूझकर मेरे पापा को हैंडओवर कर दिया, जबकि मैं उस घर में दोबारा जाना नहीं चाहती थी। फिर भी जबरदस्ती मुझे वहां से भेजा गया, क्योंकि वहां पे बहुत गंदी गंदी, और वो लोग मुझे बहुत सारी गंदी गंदी गालियां भी दे रही थी कि आप वहां से जाओ, आप अपने फैमिली के साथ जाओ। मुझे अपनी फैमिली के साथ नहीं जाना था। फिर मैं वापस जब जा रही थी तब फिर मुझे वहां से गायब करने का सबका प्लान था कि इसे कहीं और लेके जाया जाए, कि जबरदस्ती करके मैं अपने घर गई और घर से जा करके फिर से मैं घर से निकल गई, और निकल के मैं जब लड़के के घर गई तो लड़के के घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया। फिर वहां पे भी मुझे निकाल दिया। फिर वहां से मैं अब बस लेकर के लड़के के पास गई, उसका घर गई सीमाबाद में। मैं उससे मिली और उसको लेकर के मैं कहीं और निकल गई, और मैं तब से लेकर के आज दिनांक 3 अक्टूबर 2020 तक भागती फिर रही हूँ। और आज मैं सिलेंडर करने जा रही हूँ धनबाद में। अगर आगे कुछ होता है मेरे साथ तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मेरे पापा और अमरेश सिंह होंगे, क्योंकि वो और अमरेश सिंह और मेरे पापा और मेरी मम्मी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि ये बयान दिया गया था कि मैं घर से 4 लाख लेकर के और कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे लेकर के घर से निकली हूँ, जो कि सरासर गलत है, और ना ही मेरा कोई अपहरण हुआ है और ना ही मेरे साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती की गई है। अब मैंने शादी भी किया है तो मैंने दोनों धर्म के साथ शादी किया है, तो उसमें मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है, ना ही मेरा परिवार मेरा धर्म चेंज करवाने में और ना ही किसी और चीज से। तो अगर कुछ भी मेरे साथ होता है तो उसका सारा जिम्मेदार अमरेश सिंह जी होंगे, क्योंकि उन्होंने झूठा बयान दिया है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मुझे काट के फेंक दिया गया है। ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है और मैं घर से 1 रुपया भी लेकर के नहीं भागी हूँ, और अभी मैं सिलेंडर करने जा रही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ होता है आगे सिलेंडर करने के रास्ते में, या फिर वहां से अगर मुझे नहीं निकाला जाता है या फिर मुझे हैंडओवर कर दिया जाता है, तो उसका सारा जिम्मेदार मेरे पापा होंगे, क्योंकि मुझे वापस घर नहीं जाना है और मैं नहीं चाहती कि मुझे हैंडओवर किया जाए। तो प्लीज आप लोग मेरी मदद करें।